जोधा बेगम और शहंशाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, अलग सोच, अलग तरीके, अलग सलीके, और सबसे बड़ी बात, देखा आपको आपका दिल मिल ही गया ना। हमने कहा था ना, दिल सबके पास होता है, बस वक्त आने पर उसमें धड़कन पैदा होती है। हमें हमारा दिल वापस लौटाने के लिए शुक्रिया मान भाई। क्या भाईजान, आप बार बार जोधा बेगम की जगह मान बाई क्यों बोल रहे हैं? मानते हैं आपके सामने मान बाई हैं, लेकिन उनका किरदार तो जोधा बेगम का है ना। क्या करें, गलती हो ही जाती है, एक बार फिर से करते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, हम बार बार अभ्यास करके ना थक गए हैं, अभी हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। मान भाई जरा रुकिए। मान भाई, क्या क्या आप हमसे नाराज तो नहीं? वो क्या है ना, रियाज के वक्त हम बार बार गलती पे गलती किए जा रहे थे और। नहीं दानियाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियाज में तो ये सब चलता रहता है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। शहंशाह और बुआसा की प्रेम कहानी को सबके सामने अभिनीत करने में कितना अच्छा लगेगा ना। आप जानते हैं दानियाल, कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमारी भी एक ऐसी प्रेम कहानी होती। अच्छा, मतलब किस किस किस्म का लड़का पसंद है तुम्हें? आप अपने वालिदैन के पसंद से शादी करना चाहती हैं, या फिर आप आपकी भी कोई पसंद है? अब आपसे क्या छिपाना दानियाल, वो हमारे बापू साहब हमारे लिए वर ढूंढ रहे, परंतु हमें लगता है कि उनकी ये खोज इसी महल में पूरी होगी। क्या पता आपका निकाह शहंशाह की किसी बेटे के साथ हो, आपको पसंद आएगा ना ये रिश्ता। हमें कुछ काम है, हम अभी आते हैं।